कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने, बोलते आने YouTube चैनल के तमाम जितने भी दर्शक हैं, आप सबको सैमसन डेविड का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, बोलते आने की मार्फत आप सबको मालूम है कि दुनिया भर में भारतीय सभ्यता को हम, यहाँ की सॉफ्ट पावर को हम, जो म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चर वैल्यूज में है, उसके थ्रू हम एक यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को फैला रहे हैं। ये इसलिए सॉफ्ट पावर कहलाती है। और हर एपिसोड को हम जश्न मनाते हैं एक ऐसी सेलिब्रिटी का जो म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स से संबंधित हो। तो उसी श्रृंखला में इसे पेशकश में आगे बढ़ूं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप बोलते हैं ना यूट्यूब चैनल को इसी वक्त आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको सारे ऐसी महान विभूतियां जिनका हम इंटरव्यू लेते हैं, गुफ्तगू करते हैं, परफॉर्मेंस होती है, आप भी उन पर शामिल होइए। उसी श्रृंखला में आज एक बड़ी अजीबोगरीब बात है मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। बेशक एक ऐसी हस्ती जो कि इंदौर से संबंधित है, भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका, बड़ी नामी गायिका है, लेकिन इंदौर में नहीं बैठी, वो अभी अमेरिका में बैठी हुई है, क्योंकि मसरूफियात को चूंकि ऐसी है, अभी ह्यूस्टन में थी, अब सैन एंटोनियो में चली गई। अब मैं उनको स्क्रीन पे आपके सामने पेश कर रहा हूं, विदुषी शोभा चौधरी जी। विदुषी शोभा चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है बोलते आने यूट्यूब चैनल की इस विशेष हमारी एपिसोड। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा शोभा जी, ये बताइएगा कि ये अमेरिका में कैसे आप पहुंच गई, और बेशक मसरूफियात है, प्रचार काफी करती हैं आप संगीत का हिंदुस्तान में, तो हम लगातार देखते हैं, उधर क्या और कैसा वहां पर पहुंच गई, और ह्यूस्टन से अब सैन एंटोनियो, कैसा लग रहा है वहां पर, और क्या मैसेज देना चाह रही है आप अमेरिका से इस वक्त? यहाँ शास्त्रीय संगीत का अच्छा खासा माहौल है, ह्यूस्टन में काफी माहौल है, सैन एंटोनियो में अच्छा खासा माहौल है जी, जी, और ह्यूस्टन में भी घर है हमारा, सैन एंटोनियो में भी है। और मैं आती रहती हूँ, अभी बीच में कोरोना के पीरियड में नहीं आई थी, लेकिन बीच में मैं आती रहती हूँ, कुछ वर्कशॉप्स होते हैं, कुछ यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स है उनको मैं सिखाती हूँ ऑनलाइन, वहां से सिखाती हूँ, यहाँ आने के बाद रूबरू उनके साथ आमने सामने बैठ कर जो मैंने सिखाया है उसी को रिवाइज करके एक बार फिर से हम जो सिखाया है उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरी ये प्रोसेस चल रही है सिखाने की, और मैं भी खुद अभी सीख रही हूँ, क्योंकि ये तो संगीत ऐसा सागर है कि जितना भी हम करें कम है। तो दोनों प्रक्रिया चल रही है, मैं जो लेती हूँ अपने गुरुओं से मैं इन लोगों को सिखाती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा ओपनिंग रिमार्क दिया आपने। मैं जब आपका सीवी या बायोडेटा देख रहा था, तो उसमें बड़ी अजीबोगरीब बातें हमको नजर आई, जो कि मेरे को शेयर जरूर करनी पड़ेंगी तमाम नाजरीन जितने भी बैठे होंगे। एक बड़ी बात तो ये कि वर्धा से आपकी शुरुआत हुआ था संगीत का सफर, और सात भाई बहन, और इनके अंदर आप अकेली जो कि संगीत के रुझान से आकर्षित हुई, माता पिता भी बहुत अच्छे थे, आपको उत्साह दिया और गाने बजाने के अंदर काफी आपको आगे किया, लेकिन उस वक्त देखो आप छोटी थी, तो एक बड़ी कमाल की बात मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि 100 रुपए का एक हारमोनियम खरीदा उस वक्त, और वो 100 रुपए का हारमोनियम एक मेमेंटो, अजायब घर की तरीके से जैसे प्रेशियस चीजों को रखते हैं, वैसे ही आज भी रखा हुआ है 100 रुपए का हारमोनियम, जिससे आप बढ़ी और सीखा, और उसके सीखने के बाद एक ऐसे आसमान की बुलंदी पे पहुंच गई कि अब गरीब बच्चे जो हैं, जिनको
ना हारमोनियम खरीदने के पास पैसे हैं, ना स्कूल में कोई ट्यूशन ले सकते हैं किसी से म्यूजिक की, उनको फ्री पढ़ाती हैं, फ्री सिखाती हैं। ये एक अजीब सी बात है। और उसके बाद में जो है इंदौर में आप आ गई, और इंदौर में आपका काफी बड़ा काम चलता रहा। अभी हम बात करेंगे आपकी तालीम जो कि इनिशियल जो थी वो काफी बड़े बड़े पंडितों से हुई, उनके बारे में तो अभी हम पूछेंगे, इंक्लूडिंग जो है ठुमरी की महारानी विदुषी गिरजा देवी जी, जिनको 3 साल से उनके नाम से ठुमरी का महोत्सव भी कर रही हैं, पंचम निषाद संगीत जो कि 25वें साल में अपने चल रहा है उसका आयोजन करती हैं, गुणीजन संगीत समारोह करती हैं वगैरह, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल जो एक पहलू है, एस्पेक्ट है, वो भी आपका बड़ा अच्छा है, जिससे उत्साह हम सबको मिलता है कि अकेली आप और आपके साथ कई लोग मिल गए हैं बेशक, लेकिन एक जर्नी जो है टुवर्ड्स म्यूजिक एंड स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चरल एंड म्यूजिकल वैल्यूज दैट यू हैव बीन प्रोपोगेटिंग, यू हैव बीन जस्ट शोइंग टू द वर्ल्ड द मैसेज ऑफ इंडिया, मेलोडियस मैसेज ऑफ म्यूजिक फ्रॉम इंडिया। तो इस वक्त मैं पूछना चाहूंगा शोभा जी, किन किन से सीखा आपने शुरू में? मैं शुरू में वर्धा में थी, जी वर्धा में छोटी थी तब, तो मुझे कुछ मालूम नहीं था शास्त्रीय संगीत के बारे में, और हाँ मैं ऐसे घर से थी कि संगीत क्या है ये नहीं मालूम था। हालांकि महाराष्ट्र में हर घर में जैसी औरतें घर में काम करते करते गुनगुनाती है वैसी मम्मी गुनगुनाती थी, कुछ मराठी भजन वगैरह गाया करती थी, अच्छा तो उससे इंस्पायर होके कुछ भजन उन्होंने सिखाए। लोगों से प्रोत्साहन मिलने के बाद एक जो शक्ति आती है, एक काम करने की ऊर्जा आती है, और वो शायद वो बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगता है छोटेपन से ही बाहर गाकर कुछ मुझे पारितोषिक गिफ्ट मिलते रहे और वो इंस्पायर करते गए आगे और सीखने के लिए। और इस तरह से मैं वहां पर एक कई दिनों के बाद एक मुझे मालूम पड़ा कि गांधर्व महाविद्यालय की परीक्षाएं होती है, एक मैडम है वहां सिंधु ताई, वो सिखाती है, तो उनके क्लास में जाकर संगीत विशारद तक मैंने वहां किया। बाद में आफ्टर मैरिज सब कुछ बदल गया, क्योंकि मैंने ऐसा निर्णय लिया था कि मुझे आगे जाके गाना ही करना है, और मैं ये नहीं समझती थी कि गाना करना पूरा झोंक देना है। लेकिन उस समय ये था कि हाँ, मैं नौकरी भी करूंगी, मैं गाना भी करूंगी, घर भी संभालूंगी, बच्चों को भी देखा करूंगी, सारा कुछ करके मुझे गाना करना है। और ये जो जिद थी, ये बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग विल जो होती है ना, उसके कारण भी मैं ये सारा कुछ कर पाई। शादी के बाद मेरे यहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मेरे मिस्टर से भी ज्यादा ससुर जी का नाम लूंगी, क्योंकि ससुर जी ने सास ससुर दोनों का कार्यभार संभाला था। सास तो थी हमारी, लेकिन ससुर जी बहुत सपोर्ट करते थे, और उन्होंने 1 महीना मेरे शादी को हुआ था तो हारमोनियम लाके दी। मेरी हारमोनियम तो मैं मायके में छोड़ के आई थी, जो 100 रुपए में ली थी, लेकिन अब आपको बताऊं, उस समय 100 रुपए भी बहुत होते थे, क्योंकि जब मैं गाना अरे सीखने मैं जब गाना सीखने गई तो मैं 60 पैसे फीस देती थी मैडम को। क्यों नहीं, अरे मैं 9 साल की होंगी तो 60 पैसे फी थी, लेकिन वो भी कठिन था कि पापा से मांगना, उनको देना। कुछ कुछ मैथमेटिक्स का मेरा विषय था, बीएससी मैथ्स मैंने किया है, तो मैं बीएससी मैथ्स एंड मैथ्स की ट्यूशंस करके जो पैसे आते थे उस पैसे को मैं अपने संगीत के लिए फीस के रूप में, आगे जाके थोड़ी फीस बढ़ गई, संगीत विशारद हो गई तब फीस बढ़ गई, तो वो मैं इससे स्ट्रगलिंग तो मेरा ऐसा लाइफ शुरू से रहा कि कुछ पापा से नहीं मांगना है, जो भी करना है हमें करना है, पापा से पैसे मांग के। और कभी भी मेरा हाथ ऐसा कभी नहीं रहा। एक वक्त था ऐसा, बीएससी के लिए मैं एडमिशन लेने गई थी जानकी देवी बजाज साइंस कॉलेज वर्धा के, और उस समय मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं 11वीं अच्छी मार्क से पास हुई, मुझे बीएससी करना है, गणित भी करना है, क्योंकि मालूम नहीं था ना कि गाने के लिए झुकना पड़ता है, ये भी करेंगे वो भी करेंगे वो भी करेंगे सभी कुछ। तो उस समय बीएससी करके मैं गाना तो चल, मेरा संगीत विचारा चल रहा था, इधर साइंस की ग्रेजुएशन भी मेरा चल रहा था, लेकिन कॉलेज में एडमिशन इतना इजी नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे 7 भाई बहन थे, और सबको अगर कॉलेज सिखाएंगे तो पिताजी को उस समय तो तनख्वाह बहुत कम थी, किस किस को सिखाएंगे।
तो मैं स्ट्रगल करके अपनी फीस निकाल के मैथमेटिक्स की ट्यूशन करके कॉलेज की एडमिशन, कॉलेज की फीस में भर्ती रही। कॉलेज में और अच्छे मार्क से मैं बीएससी पास हुई। उसके बाद इधर संगीत विशारद भी हुई, दोनों साथ में हुआ। और उसके फिर मैंने बीएड भी किया, क्योंकि सिर्फ बीएससी से नौकरी नहीं मिलती थी। मैथमेटिक्स टीचर गाना बाजू में मैथमेटिक्स टीचर थी मैं, और मैथमेटिक्स टीचर में 9th और 10th की क्लास टीचर थी। लेकिन उस समय मैंने ये देखा कि ज्यादा बात करके साथ साथ पीरियड लेने के बाद आवाज थक रही है, मैं गा नहीं पा रही हूँ। तो मैंने फिर वो नहीं करने का निर्णय लिया कि मैं सिखाने का काम ये नहीं करूंगी, मुझे गाना करना है तो इसी विषय में आगे करना है। मेरे नसीब से शादी के बाद इस घर में मुझे प्रोत्साहन मिला। वो जो बात अधूरी रह गई थी वो पूरी करती हूँ कि ससुर जी ने मुझे हारमोनियम ला के दिया, तानपुरा ला के दिया। खुद होके मुझे पंडित माधवराव जोशी जी के पास लेके गए। माधवराव जोशी जी किराना घराने के एक अच्छे गायक थे वहां पर। उनके पिताजी गोपाल राव जोशी वहां के राजगायक थे, होलकर स्टेट के। उनके पास लेके गए और वहां मेरी शादी के बाद की मेरी शिक्षा वहां शुरू हुई। वहां से मैं उन्होंने प्रोत्साहित किया कि एमए कर लो, तो एमए के लिए बैंक में सर्विस करके एमए कर रही थी। एमए के समय कुछ क्लासेस अटेंड करने कॉलेज में गई, छुट्टियां लेकर, बैंक की छुट्टी लेकर। और वहां पर पंडित राजूरकर जी का उनसे मुलाकात हुई, पंडित वामन राव राजूरकर, पंडित राजा भैया पूछवाले के शागिर्द थे। टप्पा ग्वालियर घराने की गायकी क्या होती है वो वहां मुझे मालूम पड़ा। फिर मालूम पड़ा कि वो मेरे घर के पास ही रहते, मैं उनके पास सीखने गई। उनके पास तब तक पंडित माधवराव जोशी जी का स्वर्गवास हुआ था। और एक गुरु, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो मेरे नसीब से ये सामने आए पंडित वामन राव राजूरकर, और उनसे मैं सीखने लगी ग्वालियर घराने की तालीम। और उनसे सीखते समय मुझे ये लगा कि हाँ, ये ग्वालियर का घर मतलब घरानेदार संगीत क्या होता है, ये उस समय इंट्रोड्यूस हुआ। और ग्वालियर घराने की गायकी, ग्वालियर घराने के टप्पे उन्होंने बहुत मुझे सिखाए। और वो भी उस समय बहुत बुजुर्ग थे, 85 ईयर्स ओल्ड थे। लेकिन जैसे वैसे मैं सीख रही थी। उनकी आवाज उस समय थोड़ी कांप भी रही थी, स्वर समझ में नहीं आते, कभी ऋषभ कोमल लग रहा है, शुद्ध लग रहा है, लेकिन तान ऐसी जाती उनकी कि एकदम दहाड़ कर आते थे जबरदस्त। उसके बाद उनका उनका भी स्वर्गवास हुआ। पंडित सीआर व्यास जी से कांटेक्ट हुआ। वो ऐसे कि वो हमारे इंदौर के शनि महाराज जी के संगीत महोत्सव में गाने के लिए आए थे। और उस मंदिर में उनका गाना सुनने के पहले मैं जब एमए कर रही थी तब उनका राग पूर्वी मैंने बहुत सुना था। और वो पूर्वी में मैंने उनकी कैसेट इतनी सुन ली, इतनी उसको पूरा मैंने कैसेट को खूब घसीटा। और वो पूर्वी राग के बाद वो उनकी गायकी जो जहन में आई कि अरे ये कुछ अलग है ग्वालियर घराने से। और जिनका मैंने इतना अभ्यास किया जिनकी गायकी का, वो प्रत्यक्ष आ रहे, तो मैं सुनने के लिए गई। और वहां सुनने के लिए गई, उनसे मुलाकात की। हमारे एक परिचित वहां थे, मेरे भाई, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मुझे। और उन्होंने कहा कि शोभा बोल रही है कि आपसे गाना सीखना है। मैंने उनको कहा था, मेरे भाई को, कि नहीं, मैं इनसे गाना सीखना चाहती हूँ। सारा इम्पॉसिबल दिख रहा था, सारा अंधेरा आंखों के सामने। छोटे बच्चे हैं, बैंक में नौकरी है, और पंडित सी आर व्यास जी रहते मुंबई में, और मुझे उनसे सीखना है कैसे होगा। लेकिन मेरे मिस्टर, उन्होंने मुझे उस समय धक्का दिया, जिस समय उन्होंने पंडित सी आर व्यास जी ने कहा कि तुम आज, मैं इस होटल में रुका हूँ, तुम आओ, मैं तुमसे बात करूंगा। और मैं गई। मेरे जाने के बाद उन्होंने बहुत सवाल किए, एक राग मेरे से सुना, बहुत सवाल किए। मेरा ताजा ताजा एमए एमफिल हुआ था, तो उस समय उन्होंने केदार क्या है, मलुहा केदार क्या है, जलधर केदार क्या है, सारी जानकारी लेने के बाद उनको लगा कि हाँ अभ्यास करती है, अभ्यासों दिखी उनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन वो देखिए आप घर का कैसे मैनेज करेंगी। वो मेरे सामने बहुत बड़ा सवाल था। बच्चे अच्छे स्कूल में एडमिशन है बच्चों का, सेंट पॉल सेंट रैफिल में एडमिशन हुआ था, अच्छे स्कूलों में इंदौर के।
और मुझे उनसे सीखने जाना है, लेकिन मेरे मिस्टर ने कहा कि तुम जाओ, मैं घर का 4 दिन 5 दिन देख लूंगा। और सच में उन्होंने मेरे जाने के बाद बच्चों को टिफिन बना के देना, उनको ऑटो में बिठाना, मतलब सारा ही जो मम्मी करती है वो सारा पिताजी ने 4 5 दिन वो करते रहे। और महीने में एक दिन मैं गुरुजी के पास जाती थी। शुरू शुरू में जल्दी था, मतलब एक महीने में एक बार। लेकिन मेरे पास जैसे जैसे मटेरियल इकट्ठा हो गया, मैं थोड़ा सा, मुझे 2 महीने के बाद 2.5 महीने के बाद जाने की परमिशन मिली कि इतना मैंने सिखाया है, इतना करके आओ। इस तरह से पंडित सीआर व्यास जी से तालीम मिली। पंडित सीआर व्यास जी से तो मैंने, वो थे तब तक सीखा, 2002 तक, 93 से जी 2002 तक सीखा। और जी उसमें खास में वो जब सिखाते थे तब मैं ये समझ पा रही थी कि अच्छा, इनकी गायकी में अब ये ग्वालियर का पैच दिख रहा है, अब ये नहीं है, ये आगरा का पैच है। क्योंकि उनकी गायकी जो थी वो आगरा घराने की, ग्वालियर घराने की मिक्स थी। तो अच्छा वो मुझे, वो ग्वालियर घराने का मेरा बेस होने के कारण मुझे वो समझ में आने लगा कि ये ग्वालियर जा रहा है, ये आगरा जा रहा है, और अच्छा इसका कैसे उन्होंने मिलान किया है ऐसा। इस तरह से पंडित सीआरवन जी से मैं बहुत साल सीखती रही। और सच बताऊं तो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट वहां से ही शुरू हुआ, क्योंकि मुंबई में पदार्पण हुआ मेरा। मुंबई जाती आती रही मैं, वहां के बाकी सब लोगों को भी देखती थी, बाकी सब गायक वादक पंडित जी के घर आते थे, मिलते थे उनको, उनकी जो बातें होती थी, सांगीतिक चर्चाएं होती थी, उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। और मुझे लगा कि अब मेरा ये स्वर्ग का पीरियड है। और सच में उस समय पंडित जी के साथ जब जब तक मैं उनके घर में जाती रही, अभी भी जाती हूँ, मतलब गुरु जी नहीं है, तो इन लोगों के घर में बड़े बड़े लोगों का आना जाना था, सबसे करीब से मुलाकात हुई। और वो सच में पंडित बिरजू महाराज जी से करीब से मिली, उस्ताद बिस्मिल्ला खां साहब से करीब से मिली, विदुषी शोभा गुट्टू से करीब करीब से मिली। बड़े बड़े गुरुओं से करीब से मिलना, उनकी बातें सुनना, उनकी सांगीतिक चर्चा सुनना, ये उससे मुझे बहुत ऐसा लगा कि ये जो विषय है, ये जो सराउंडिंग है, इससे बाहर नहीं निकलना है। ठीक लेकिन घर तो है, घर तो दिखता था, बच्चे दिखते थे, फिर इंदौर मुंबई, इंदौर मुंबई, इस तरह से मेरा क्रम जब तक गुरु जी थे तब तक चलता रहा। और उनसे मैंने बहुत कुछ, जीवन में कैसे चलना है, जीवन में कैसे जीवन को किस तरह से देखना है, यह भी सीखा। संगीत के अलावा हम लेडीज लोगों ने कैसे रहना है, ये तो उनका पहला लेसन था कि तुम आई हो मेरे पास। और ये फील्ड जो है, सब दूर जेंट्स लोग आपके आमने अगल बगल भी आपके तबले वाला मेल बैठेंगे, इधर मेल बैठेंगे, आप जेंट्स लोगों में घूमोगे फिरोगे, लेकिन आपको अपना रहन-सहन कैसा करना है, कैसा रखना है। तो ये जो उन्होंने इंट्रोडक्शन मुझे इस फील्ड में किया और इस फील्ड की जानकारी दी, अदर देन म्यूजिक, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे घर में संगीत नहीं होने से मुझे इस वातावरण को भी मैं नहीं जानती थी कि किस तरह से संगीत का वातावरण है। तो कई बातें, और एक टर्निंग पॉइंट जो मैं कहती हूँ लाइफ का मेरा यही है। मैं पंडित सी आर व्यास जी के पास सीखने गई, वहां से संगीत को, जीवन को, लाइफ को देखने की मेरी दृष्टि बदल गई उस समय में। हाँ, बहुत बहुत दिलचस्प और रोचक लग रहा है सब कुछ। अब हम ऐसा करते हैं, इन बातों को कंटिन्यू करते रहेंगे। अब मेरा इश्तियाक सिर्फ यह है, एक लालच बढ़ गया है कि जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हमारी गायन के क्षेत्र में बैठी हैं, विदुषी शोभा चौधरी जी, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, आप एक क्लासिकल बंदिश प्लीज सुना दीजिए, ताकि ये बातचीत में थोड़ा और रोमांचक बन जाएगी, फिर और बात बढ़ाते हैं। तो छोटी सी कोई बताइए, मेरे ख्याल से अगर आप मियाँ की तोड़ी कर देंगी तो अच्छा, क्योंकि मैंने सुनी है आपसे एक बार, प्लीज। ओके।
जन्म सफल हो जावे मोर मन लागो सतगुरु चरणन मोर मन लागो लागो मोर मन लागो लागो मोर मन लागो मोर मन लागो मोर मन लागो सतगुरु चरणन मोर मन लागो। सभी मेरे गुरुओं के प्रति मैं बहुत समर्पित हूँ और इसीलिए गुरु की बंदिश गा रही हूँ। बहुत अच्छा। साधन
नहीं आवे कठिन साधना, गुना नहीं आवे संगत गुनिया न कीनी तकीजे, संगत गुनिया न कीनी तकीजे, जन्म सफल हो जावे मोरा मन लागो, सतगुरु चरणन मोरा मन लागो, सतगुरु चरणन मोरा मन लागो, मोरा मन लागो, मोरा मन लागो। बेहतरीन, सच अ ब्रिलियंट एंड फैबुलस। देखिए, अमेरिका में बैठी हुई हैं विदुषी शोभा जी, इस वक्त बेशक इंदौर की हैं और भारत में रहते हुए बड़ा लंबा करियर है इनका। एक स्ट्रगल से गुजरी हैं और इस स्ट्रगल का आपने बताया कि किस तरीके से 60 पैसे से ये अपनी ट्यूशन पे करती थी, 100 रुपए का हारमोनियम था वगैरह। यानी कहते हैं कि जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। तो क्या होठों बात, कौन सी और पांव में छाले रहेंगे, लेकिन कामयाबी जरूर मिली। आपकी कामयाबी जो है, मैं देखता हूँ, जब मैं आपका बायोडाटा देख रहा था, मैं सब बता नहीं पाऊंगा इस वक्त क्योंकि बड़े लंबी हैं वो, बहुत सारी बातें हैं। बड़ी छोटी सी कोई बात मैं अपने तमाम नाजरीन से शेयर करना चाहूंगा कि विभिन्न उपलब्धियों में शोभा चौधरी जी को अवार्ड ऑफ सीनियर फेलोशिप टू द आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट इन द फील्ड ऑफ कल्चर 2012-13 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको दी है। आईसीसीआर की आप एक पैनल आर्टिस्ट हैं, रेडियो और दूरदर्शन की आप कलाकार हैं। आप के कई लेख मैगजीन्स के अंदर, जर्नल्स के अंदर, जैसे मान लीजिए मनस्वी है, मालविका है, सर्वोत्तम है, हेल्थ है, लोक प्रभा है, इनमें छपे हैं। खैर, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है मेरे पास क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं जो कहना चाहता हूं कि ये विदुषी जो हैं बैठी हैं हमारे सामने, ये एक इंस्टीट्यूशन बैठी है, आप ये समझ लीजिए इंस्टीट्यूशन है ये, इनके बड़े बड़े काम हैं। और एक इंस्टीट्यूशन में जब आता है तो एक पंचम निषाद संगीत संस्थान इंदौर में जो है उसकी ये फाउंडर है, तकरीबन सिल्वर जुबली बनाई जा रही है। मैं जरूर पूछना चाहूंगा विदुषी शोभा जी से कि पंचम निषाद संगीत संस्थान का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, और आप क्या करती हैं और कैसे करा और उसकी क्या सक्सेसेस अभी तक मिली है उसके बारे में। सच बताऊं तो पंचम निषाद संगीत संस्था नाम से कोई संस्था चलाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अच्छा मुझे जी गाना करना था, जी गाना घर में रहे, माहौल घर में संगीत का बना रहे, ये मेरी इच्छा थी। और जी इस इच्छा से मैंने मेरे बच्चों को सिखाना शुरू किया कि आप भी सीखो। अच्छा दूसरा होता ये था कि मैं बैंक में जॉब थी, बैंक में मेरा जॉब था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। मैं बैंक से जब घर आती थी तो मुझे ऐसा लगता था, जाने के पहले तो मैं रियाज करके जाती थी, आने के बाद मुझे लगता था कि मैं फटाफट घर के काम निपटाऊं और फिर तानपुरा लेके बैठूं। लेकिन बच्चों के कारण वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो बच्चों को ही इन्वॉल्व करना चाह रही थी कि ताकि 1 घंटा उनके साथ बैठूं, उनको भी सिखाऊं और मेरा भी रियाज होता रहे। क्या बात है, लेकिन हुआ ये कि आसपास के उनका बच्चों का गाना सुन के या आवाज सुन के आसपास के 4 लोग भी, तो मैं उनको भी सिखाती थी। धीरे धीरे हुआ ये कि एक दिन घर पर जब मैं मुंबई गुरुजी के यहाँ जाने लगी तो मेरा परिचय देवकी पंडित जी से हुआ। देवकी पंडित, विदुषी देवकी पंडित, आज बहुत बड़ा नाम है उनका। उनसे मेरा जब परिचय हुआ उस समय उनका नाम इतना नहीं था जो अच्छा कि बाद में हुआ, लेकिन मेरा परिचय उनसे हुआ और उनको मैंने घर में बुलाया गाने के लिए, छोटी छोटी महफिल करेंगे ये सोचकर। मेरे ससुर जी ने मुझे बड़ा सुंदर सा एक हॉल बना के दिया था 96 में। उस हॉल का, उस सभागृह का ओपनिंग और
वो चाह रही थी। मैं तो देवकी पंडित को मैंने घर में ऐसे ही इनवाइट किया और बिल्कुल एज ए फ्रेंड वो घर में आई, 4 दिन रही और उनका गाना किया। लोग बहुत इकट्ठे हुए थे घर में, सबको मालूम हुआ कि यहाँ अच्छा ये महफिल है। जब हॉल का ओपनिंग और एक सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण करना था तो पंडित सियारवे जी को घर में बुलाया। पंडित सियारवे जी जब घर में आए, हमारे घर में उनका गाना हुआ, पहले तो उनका गाना हुआ, व्याजबुआ का गाना हुआ, लेकिन किसी पेपर में नहीं आया, किसी पेपर वालों ने नहीं छापा। जब मैंने पूछा उनको कि इतने बड़े गुरुजी और इतने बड़े गुरु, इतने बड़े गायक आए थे, उनके बारे में आपने कुछ छापा नहीं, उन्होंने मुझे जवाब उस समय ये मिला था कि घर की महफिलें हम नहीं छापते, कुछ बैनर है आपका? तो मेरे पास कोई बैनर नहीं था और मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी। उसके बाद जब देवकी पंडित आई, तो देवकी पंडित आई तब मुझे लगा कि इनका भी नहीं छापेंगे अगर कोई बैनर नहीं रहा तो। इसलिए मैंने, हमारे गुरु भाई है शशि व्यास जी, उनका बैनर है पंचम दिशा क्रिएटिव्स लिमिटेड मुंबई में, जो कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उनकी लिमिटेड कंपनी है, लेकिन वो नाम अच्छा लगा। मैंने उनसे, शशि भाई से पूछा, मैं पंचम दिशा इस नाम से एक इंस्टीट्यूट खोलू क्या? उन्होंने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि हमारी तो लिमिटेड कंपनी है, तुम्हारा एनजीओ रहेगा। तो इस वजह से जब देवकी घर में गाने आई, तब पंचम निशार इस नाम से हमने बैनर का ओपनिंग उसी के हाथ से हुआ, बहुत अच्छी बात और है। वो हाँ उसी के हाथ से हुआ, ताकि उसके गाने को हम, उसका जो कार्यक्रम है उसको पेपर में हम उसको दे सके, कार्यक्रम की जो खबर दे सके। जी बस इस तरह से गुरु, मैं वहां मुंबई जाती तो मेरे बहुत सारे गुरु भाई, हम हमेशा हम सब मिलते तो लगता था कि नहीं ये बहुत अच्छा गा रहा है, इसको बुलाते, वो बहुत अच्छा गा रहा है, उसको बुलाते। इस तरह से पंचम निषाद का एक कार्यक्रम करने का सिलसिला भी बनता रहा, और बच्चे इधर जब जैसे जैसे एक एक बच्चा बढ़ता गया तो इंस्टीट्यूट का उसको एक स्वरूप आया। जी एक एक मिनट, थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। जस्ट जी मैडम। ओके तो ये तो सारी आपने जो बात बताई आपने, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, पेपर वाले हैं, ये इनका एक एटीट्यूड ये रहा है कि जहां बड़ा बैनर दिखेगा जहां, तो वो उसी को ही छापते हैं, और छोटी छोटी महफिलें जो कि इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वहीं से पहचान बनती है, लेकिन उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो आपके ने ये एक कदम उठाया जहां से पंचम निषाद का आपने शुरू किया। मैं ये चाहूंगा कि जैसे फॉर्मेट हमारे प्रोग्राम का यह है कि हम बीच में परफॉर्मेंस भी देते हैं, इस वक्त क्योंकि सेमी क्लासिकल तो आपने गा दिया, सेमी क्लासिकल में जैसे मान लीजिए ठुमरी है, दादरा है, टप्पा है, झूला है, कजरी है। अच्छा, कजरी का मेरे को याद आया, कजरी कोई प्लीज पेश कर दीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए। बिल्कुल। कजरी गाने के पहले मैं ये बताऊंगी कि मेरा विदुषी गिरजा देवी जी के पास सीखने का भी एक ऐसा कुछ, मेरे पास ऐसी कुछ कहानी है कि जी मैं गिरजा देवी जी के पास कैसी गई, क्योंकि अच्छा मेरे तो वो भी सपने में नहीं, कभी भी नहीं था कि मैं अच्छा उनसे कभी ठुमरी सीखूंगी, कभी कजरी सीखूंगी। लेकिन एक कार्यक्रम में मैं जब कलकत्ता गई, और उस कार्यक्रम में उन्होंने, जिन्होंने कार्यक्रम रखा था उन्होंने अप्पा जी को भी बुलाया था, लेकिन अप्पा जी नहीं आ पाई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। दूसरे दिन मैं जब मिलने की, क्योंकि मैं कलकत्ता पहली बार गई थी, आईटीसी एसआरए वगैरह कुछ देखा नहीं था, और अप्पा जी को तो वैसे भी मिलना था, इसलिए मैं वहां गई तो अप्पा जी ने कहा कि कल तुम्हारा छाया नट और तुमने जो कजरी गाई वो बहुत हमारे कान पे आया कि बहुत कार्यक्रम अच्छा हुआ और तुमने छाया नट बहुत अच्छा गाया, क्या तुम सुना सकती हो? सुबह 11 बजे जब मैं गई थी तो मैंने कहा कि हाँ मैं सुनाती हूँ, मेरे साथ तबले वाला भी था। उन्होंने कहा कि हाँ मुझे छाया नट ही सुनना है। मैंने कहा अप्पा जी अभी 11 बजे सुबह छाया नट? तो बोले नहीं, मुझे तो वो छाया नट ही सुनना है। उन्होंने छाया नट ट्रैक सुना और उसके बाद कजरी सुनी। कजरी सुनने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा अंग है ठुमरी दादरा गाने का, अच्छा तुम्हारे तुम्हारी आवाज है वैसी, क्या तो बात इसको गाया करो,
और कभी भी अगर आपको लगता है तो मेरे पास जरूर आना, मैं सिखाऊंगी। लेकिन इस बात को उन्होंने कहा और मैंने बाद में पकड़ लिया, लेकिन ये पकड़ में आने में 2 साल निकल गए क्योंकि उनके पास समय नहीं होता था, बहुत बिजी होती थी। जब मैं फोन करती कहती कि अभी तो बैठ बेटा, हमारा यहाँ कार्यक्रम है, अब तुम बाद में आना, फिर तुम बाद में आना, ऐसे करते करते मुझे लगा 1.5 साल के बाद कि नहीं, मेरे बस नसीब में नहीं है शायद, क्योंकि अप्पा जी इतनी बिजी है, मुझे समय नहीं दे पा रही। वैसे भी उनकी बहुत सारी शिष्याएं हैं, उनको समय देंगे या मुझे देंगे नई स्टूडेंट को। इसलिए मैंने फिर 1.5 साल के बाद मन से निकाल दिया कि हमको सीखने को मिलेगा। लेकिन वो जब एक बार भोपाल आई, और भोपाल उनके कार्यक्रम के लिए मैं तो नहीं जा पाई थी इंदौर से, लेकिन हमारे एक परिचित है वो वहां गए। वो उन्होंने कहा कि आप कार्यक्रम के बाद, अप्पा जी नमस्कार, मैं फलाना फलाना और मैं इंदौर से आपको सुनने आया। तो उन्होंने तुरंत उनको सवाल किया कि शोभा नहीं आई थी। तब मुझे लगा कि 1.5 साल के बाद भी अप्पा जी को मैं याद हूँ। फिर मैंने उनको, उन्होंने मुझे आकर बताया कि वो तो मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा। तो मुझे लगा कि नहीं, अप्पा जी के अभी मन में तो है, कहीं ना कहीं मुझे याद किया मतलब। फिर मैंने उनको फिर फोन किया, बोले बेटा तुम हमारा कार्यक्रम सुनने नहीं आई। मैंने कहा अप्पा जी हम कहाँ रुकते, क्योंकि भोपाल में रुकने की वैसे वो नहीं है, मेरी कोई परिचित नहीं है ऐसे कि मैं रात को वहां रुकू या फिर मैं रात को इंदौर लौट आऊं देर रात को, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। उन्होंने कहा बेटा क्या बात करती हो, तुम हमारे साथ रुक जाती, हमारे भी रूम में रुक जाती। तब तो मुझे इतना शॉक हुआ, इतनी बड़ी कलाकार और ये कह रही कि मेरे साथ रुक जाती, ये कोई प्रॉब्लम है तुम्हारा मेरा गाना नहीं सुनने के लिए आने का। मैंने कहा कि क्या बात है। उसके बाद फिर मैंने जब उनको फोन किया कि अप्पा जी मैं सीखना चाहती हूँ, आना चाहती हूँ, लेकिन जब जब मैं पूछती हूँ आपको, आपके पास समय नहीं है और आपको कार्यक्रम वगैरह के लिए आप बिजी रहती है, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं बेटा मेरे ध्यान में नहीं रहता, मैंने तुमको हाँ तो बोल दिया और फिर कार्यक्रम ले लिया। अब तुम ऐसा करो, मेरे लिए जब बात करनी हो तो मुन्नी दीदी से बात करो। फिर हम मुन्नी दीदी से बात करते रहे, और फिर एक मौका ऐसा है कि उन्होंने मुझे बुला लिया वहां पर, SRA आओ, IT से SRA, वहां पर मेरी रहने की व्यवस्था भी उन्होंने की, क्योंकि उनके घर में ऑलरेडी 4-5 लोग थे सीखने के लिए आए हुए, मेरी उन्होंने वहां के रूम में व्यवस्था की। और मेरा वो सिलसिला फिर एक 1.5-2 साल चलता रहा, क्योंकि तुरंत वो 1.5-2 साल के बाद चली गई। अच्छे अभी मैं अप्पा जी की याद में एक कजरी आपको सुनाती हूँ जो उन्होंने ही मुझे सिखाई हुई है। प्लीज पेश कीजिएगा। कहनवा मानो राधा रानी,
राधा रानी निशियानी कारी बिजुरी चमके निशियानी कारी बिजुरी चमके रूम झूम बरसात पानी कनवा रूम झूम बरसात पानी कहनवा मानो राधा रानी। बहुत ही खूबसूरती से आपने कदरी हमारे सामने गाई। अच्छा विदुषी शोभा जी, मैं एक बात और अपने तमाम जितने दर्शक हैं उनसे साझा ये करना चाहूंगा कि संगीत
में तो आपका काफी काम करा है, बहुत लंबी। साथ में एक जो इंटरेस्टिंग बात हमने देखी है और जो दूसरे भी अगर कलाकार ये अडॉप्ट कर लें आपसे तो सोने पे सुहागा जिसे बोलते हैं वही हो जाएगा, कि आप समाज के उत्थान के लिए बहुत काम करती रही है, साथ साथ संगीत में करा है, लेकिन हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, और उसमें एक बड़ा पक्ष ये है कि हम अपने ही लिए नहीं बल्कि समाज के लिए क्या कर रहे हो, खासकर अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं, गरीब जो कि तबके के बच्चे हैं। और अलावा इसके हमने तो ये भी देखा है कि इंदौर को कई बारी जो है पहला इनाम मिला है साफ सफाई के लिए, सफाई अभियान के लिए आपने काफी काम करा है, गरीब बच्चों के लिए काफी मुफ्त में शिक्षा दी है, इस पहलू के ऊपर थोड़ा सा आप बताइएगा प्लीज। मैं ये समझती हूँ कि संगीत की शिक्षा देना ये उन बच्चों के ऊपर एक अच्छे संस्कार करने का ही तो काम है, और अच्छे संस्कार सिर्फ संगीत से नहीं, हमारे जीवन में किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से जीवन को देखना है, किस तरह से हम जन भागीदारी में साथ दे सकते हैं, जो कुछ हमारे देश में चल रहा है। और अभी तो मोदी जी ने बहुत कुछ जो चेंजेस लाए हैं, मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी उसको अडॉप्ट करें, क्योंकि अब स्वच्छता अभियान जो चलाया है, स्वच्छता अभियान में हम देखते थे कि इंदौर में तो चल ही रहा है, लेकिन बच्चों को दिखता था कि हाँ मैडम उस ग्राउंड पर कचरा है, वहां हमें जाके करना चाहिए। बच्चों पर जब मैंने बार बार बच्चों को मैं बताती रही कि नहीं हमें जुड़ना है, सभी विधाओं से जुड़ना है, ओवरऑल एक अच्छा भारतीय नागरिक तैयार हो, एक अच्छा आदमी, एक अच्छा इंसान इस देश को संगीत के माध्यम से मिले। संगीत, क्योंकि मैं संगीत सिखाती हूँ, मेरे पास बच्चे संगीत के लिए आते हैं, संगीत को ही मैंने अपना एक जरिया माना है, और संगीत के ही माध्यम से इन बच्चों को मैं जो अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती हूँ। गरीब विद्यार्थी दिखते हैं कि जो टैलेंटेड विद्यार्थी है लेकिन पैसे नहीं दे सकते, फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, वो उनको मैं फ्री सिखाती हूँ। मुझे अभी तो भगवान की दया से सब कुछ भगवान ने अच्छा किया है, और मुझे बहुत पैसे की लालच नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे भी बच्चे आए मेरे से सीखे। और इसलिए अगर कोई मुझे रिकमेंड करता है कि ये बच्चा फलाना है, ऐसे में नाम नहीं लूंगी, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल के प्यून के बच्चे होते हैं या गेटकीपर के बच्चे होते हैं, हमाल के बच्चे होते हैं, तो इन लोगों के बच्चों की, हाँ एक तो उसका वो वातावरण नहीं होता, और वातावरण होने से क्या चेंजेस हो सकते हैं, घर में पॉजिटिविटी आती है। संगीत एक कितने बेनिफिट्स है संगीत के, हमारा एक ग्रुप है, ग्रुप के माध्यम से मैं ये भी उनको लिखती रहती हूँ, ग्रुप में डालती रहती हूँ कि संगीत सीखने से ये बेनिफिट भी है, ये बेनिफिट भी है, ये भी है, तो जुड़े रहिए। और जरूरी नहीं कि संगीत से जुड़ना यानी बहुत बड़ा कलाकार होना है, एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा इंसान बने, और आप अपना जीवन व्यापन जो है वो अच्छे तरीके से कर सके, ये मेरी उनके जीवन में अगर एक इतना सा भी मेरा सपोर्ट रहा उनको बनाने में, तो मैं समझती हूँ कि मेरा जीवन सफल हो गया। जी 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 अच्छा, इसमें मैं अब ये आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, ये तो आपका पहलू है और बहुत इसमें ऐसी बातें हैं जो कि कहीं रह भी जाएंगी, कि हमने देखिए क्लासिकल बंदिश से आपका लिया, सेमी क्लासिकल भी ले लिया, कजरी भी ले ली, क्या मैं आपसे गुजारिश करूं कि फोक पे भी कुछ सुनाइएगा प्लीज, या अगर कुछ मैं आपसे इम्प्रॉम्प्टू पूछ रहा हूं, अगर कुछ सुना देंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हमारा मिला जुला प्रोग्राम है, परफॉर्मेंस के साथ बातचीत भी है, तो जी जी प्लीज बताइए। मैं फोक एक निमाड़ी गीत है, निमाड़ी फोक है, मालवा प्रांत में मालवा भाषा और निमाड़ी भाषा दो भाषाएं चलती है, तो इसमें एक वहां का एक फोक है जो मैं प्रयत्न करती हूँ। प्लीज आने मनोत
मनोतम मारा पावना, ओ हो आय मनोतम मारा पावना, मनमोहन पधारो मारा अंगणा, मनमोहन पधारो मारा अंगणा, आय मनोतम मारा पावना, ओ हो आय मनोतम मारा पावना, मनमोहन पधारो मारा अंगणा, मनमोहन पधारो मारा अंगणा, दूध दही भी हो गया फीका, दूध दही भी हो गया फीका, टूट गया हर आंगन का छीका, टूट गया अब आंगन का छीका, बंसी का बंद पड़ा बाजना, ओ हो बंसी का बंद पड़ा बाजना, मनमोहन पधारो मारा अंगणा, मनमोहन पधारो मारा अंगणा, ओ हो 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 हो। क्या बात है। देखिए फोक का मतलब यही होता है कि लोक और लोक में जब आता है जोश, और जोश में मैं चुटकी बजाने लगा, ताली बजाने लगा, यानी सब मिल जाते हैं तो तभी फोक बनता है। इसलिए फोक जो है वो हमारा सबसे शुरुआती म्यूजिक, क्लासिकल से भी पहले बल्कि इसी को माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मरहले में हम पहुंच गए हैं अब शोभा जी, इस मरहले पे मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा, हमारा यूथ जो है जो म्यूजिक में है, डांस में है, कल्चर में है, आर्ट में है, इन तमाम जो जिसे फनून लतीफा बोलते हैं फाइन आर्ट्स में, उनके लिए चुनौतियां बहुत हैं, और कई टिप्स आप जैसे लोग इसलिए दे सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने सैकड़ों शिष्य निकाले हैं, कई लोगों को देखा है। इस मुकाम पे आप कोई संदेश दीजिएगा हमारे युवाओं को कि जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं खासकर म्यूजिक फील्ड में, तो उनको क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को कहती हूं कि प्रसिद्धि और नाम फेम के पीछे अभी मत पड़ो, अभी स्वरों की साधना करने के दिन है, स्वरों की साधना ही सब कुछ है। एक बार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब मिले षणमुखानंद हॉल में, उन्होंने मुझे जो बताया था वो मैं अपने बच्चों को पास करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ। उन्होंने मुझे यही बताया था कि बेटा क्या है सुरों की साधना, इसके अलावा कुछ नहीं है संगीत में। आलापचारी क्या है, सुर है। ताने क्या है, सुर है। जब हम आलाप को ही फास्ट गाते हैं ताने बनती है, तानों को स्लो करेंगे आलाप बनेंगे, लेकिन आखिर में उसके पीछे क्या है तो सुर है। मैं बच्चों को वही कहती हूँ कि सुरों की साधना के अलावा और कुछ नहीं है। स्वर की साधना को एक अध्यात्म से जोड़ के हम सुर की तरफ देखें, सुर की तरफ उसका रियाज करें रोज। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं सुबह 5 बजे 4:30 बजे बच्चों को बुलाती हूँ कि संगीत की सुरों की साधना सुबह कैसे की जाती। सबको मालूम है कि सुबह उठना पड़ता है, लेकिन सुबह उठ के करना क्या है ये नहीं मालूम। इसलिए मैं उनको बुलाती हूँ कि आप आइए और सुबह मेरे साथ आप रियाज करिए। इसके साथ साथ बच्चों को मैं जो भी संगीत कर रहे हैं सभी को एक ही मेरा संदेश है कि इतने डिस्ट्रैक्शन हैं, इस डिस्ट्रैक्शन के कारण हमारा मन विचलित होता है, और मन विचलित होने के बाद साधना कभी भी अच्छे हो ही नहीं सकती। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से हमें हटना, मतलब डिस्ट्रैक्शन को हम बंद करना है, हमें इन सारी चीजों की तरफ अभी नहीं देखना है। अभी तुम्हारे रियाज के दिन है, साधना के दिन है, उसमें आप पूरा ध्यान लगाइए, जो भी करना है 100% करिए। उसके बाद इतना कुछ अभी सोशल मीडिया आपके अगल बगल में है, आप अच्छा गाएंगे तो रातों रात नाम होना होगा तो एक दिन में भी हो जाएगा, एक रात में हो जाएगा, लेकिन अभी तो करना है हमको साधना, तो साधना के बारे में सोचे और थोड़ा इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट के बजाय थोड़ा इंट्रोवर्ट होके अंदर जाके अंदर देखे। बहुत बढ़िया। जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कहती रहती हूँ कमाल बता दिया आपने कि इंट्रोवर्ट होइए,
हाँ एक्सट्रोवर्ट बाद में मौका मिल जाएगा। अच्छा इस नोट पे भी मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आखिर में एक सब कुछ हमने अलग अलग क्लासिकल सेमी क्लासिकल और हर किस्म का फोक वगैरह भी सुन लिया, एक भजन आध्यात्म की तरफ जो ले जाता है जिसे जी तसव्वुफ जिसे कहते हैं वो स्पिरिचुअल इंकलिंग को ले जाता, उस पर कुछ आप पेश कीजिएगा और उससे बाद हम बिल्कुल इस प्रोग्राम को आज इख्तिताम करेंगे। जी। सुंदर, बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों ये थी हमारे साथ जुड़ी हुई अमेरिका से जो रहने वाली तो इंदौर की है लेकिन किस व्यस्तता से वहां पर म्यूजिकल शोज थे वहां पर विदुषी शोभा चौधरी जी जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं जुड़ी हुई थी। आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं मैडम, एक बारी बोलते आने के लिए। धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपने जी। शोभा बढ़ाई बल्कि इस प्रोग्राम की शोभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। के अब के मिले तो शायद कभी ख्वाबों में मिले जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बहुत बहुत क्या शुक्रिया, बात, थैंक यू सो मच, नमस्कार थैंक नमस्कार। यू मैडम। बोलते आईने